दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि किंग खान शाहरुख खान अपनी आने वाली कई सारी फिल्मों को लेकर चर्चाओं में हैं। यानी कि भैया हाल फिलहाल में ही जब किंग खान की आने वाली अगली फिल्म जवान का टीजर हम लोगों के सामने आया कि भैया उस टीजर को देखते ही किंग खान के दीवाने एक बार फिर से जवान हो गए, ये कहते हुए कि भाई हमारा ये जवान जब सिनेमा घर में आएगा तो तहल का मचाएगा। यानी कि भैया जवान की चर्चा एक तरफ हो रही थी कि इसी बीच में किंग खान को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया किंग खान ने जवान के साथ साथ अपनी आने वाली एक और फिल्म यानी कि डंकी का पहला शेड्यूल भी कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद यह जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया वो अब जवान के शूटिंग को एक बार फिर से चालू कर देंगे। तो भाई ये सारी खबरें बॉलीवुड की गलियारों से निकल के आ ही रही थी कि भैया आज एक और बहुत बड़ी जानकारी किंग खान को लेकर हम लोगों के सामने आई है, जिसको सुनने के बाद किंग खान के दीवाने ये कहते हुए नहीं थकेंगे कि भाई अब रणवीर कपूर की नैया किंग खान ही पार करने वाले हैं। तो भाई क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणवीर कपूर अपनी आने वाली अगली फिल्म यानी कि ब्रह्मास्त्र को लेकर काफ़ी चर्चाओं में हैं, जिसमें हमें उनका भैया सुपर हीरो वाला अवतार देखने को मिलेगा। और भाई इस फिल्म से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां हम लोगों के सामने लगातार आ रही है। यानी कि हाल फिलहाल में इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकारों के कुछ पोस्टर जारी किए गए थे। यानी कि नागार्जुन सर का पोस्टर आया, उसके बाद में अमिताभ बच्चन का पोस्टर आया, उसके बाद इस फिल्म का टीजर हम लोगों के सामने आया इस बात की जानकारी के साथ कि भैया बहुत जल्दी ही ये फिल्म सिनेमाघर में आएगी। लेकिन इस फिल्म में किंग खान भी नजर आएंगे, इस बात को अभी भी इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से छुपा कर रखा गया था। लेकिन भाई दर्शकों की निगाह और भैया किंग खान के दीवानों की निगाह से नहीं बच पाया किंग खान का वो अवतार जो कि भैया इस टीजर में हमें नजर आया था। यानी कि भैया किंग खान के दीवानों ने अपने सुपरस्टार को इस टीजर के दौरान पहचान लिया कि भाई यही है हमारे किंग खान। यानी कि भैया ब्रह्मास्त्र को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया ब्रह्मास्त्र की कहानी की शुरुआत खुद किंग खान करेंगे। यानी कि भैया इस फिल्म का जो स्टार्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा उसमें हमें किंग खान का अवतार शुरू शुरू में ही देखने को मिलेगा। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के शुरुआत में ही 10 मिनट का जो सीन है वो किंग खान का है। और उसके बाद इस पूरे फिल्म में किंग खान रणवीर कपूर को जगह जगह आकर ये क्लू देते नजर आएंगे कि उनको ब्रह्मास्त्र कहां मिलेगा। यानी कि भैया इस कहानी को पुश करते नजर आएंगे बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया किंग खान के तो फुल फ्लेज फिल्में जो हैं वो 2023 से सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार होनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया 2022 में किंग खान हमें नजर नहीं आएंगे। यानी भैया इस फिल्म के माध्यम से आप किंग खान को इस फिल्म में तो देखोगे ही, उसके साथ भैया आर माधवन की आने वाली फिल्म रॉकेटरी में भी आप किंग खान को देख सकते हो। यानी कि भैया किंग खान ने 2022 के लिए अपना कैमियो वाला या पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया है। तो आप किंग खान को इन फिल्मों में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।